Hello everyone, you are watching Gizmo Brain DIY Tools and Tech Channel. आज हम हमारे रिड्स VDI की जो कैबिन फिल्टर होती है AC की उसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि एयर थ्रो बहुत ही कम है. तो इसको निकालने के लिए ना पहले ये ग्लव बॉक्स खोलना पड़ेगा. तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आप टैब देख रहे हैं इसको हम खोलेंगे, थोड़ा सा अंदर प्रेस करेंगे ये जो टैब है तो ये निकल जाएगा. ये अटका के रखता है यहाँ पे, देखिए एक झटके में आ जाएगा. ऐसे दबाइए और ये निकल गया. नीचे से टैब खुल गया, ये वाला रबर वहाँ पे अटका हुआ था और नीचे से उसके लॉक्स खुल गए. अभी हमको ये निकालना है कवर जहाँ पे रहता है ये AC का कैबिन फिल्टर. ये लॉक हम लोग ऐसे निकालेंगे, ऐसा ही पीछे है. ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि पीछे से खोलने में आपको थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको. अभी पीछे वाला खुल गया और आगे वाला लग गया, ऐसा होता रहता है. तो इसको आराम से खोलिए क्योंकि ये टूटा तो फिर आपको फिर से नया ख़रीदना पड़ेगा. ये इसके लॉक्स हैं, खुल गई हैं लॉक्स. अभी इसके नीचे ये देखिए एयर फिल्टर हैं, कैबिन एयर फिल्टर. और इसको खोल के दिखाता हूँ. ये एक्चुअली इसका फ़िल्टर नहीं है. इस मॉडल के लिए फ़िल्टर्स तभी अवेलेबल नहीं थे जब मैंने रिप्लेस किया था, अभी लेकिन फ़िलहाल हैं. तो इसमें बहुत कुछ जुगाड़ किया था, साइड में स्पंज लगाया था ताकि एयर सील बने, लेकिन इट फेल्ड. ये एकदम से धूल से भर चुका था. तो ये हमारे कालू भाई हैं, व्यूअर्स मैंने देखे थे इनकी एक ऑल कार्ड्स सर्विस सेंटर है. इसको बोल सकते हैं आप जो हम बोलते हैं ना नेबरहुड फ्रेंडली वर्कशॉप, तो वैसे टाइप्स है. हम लोग NFW भी बोलते हैं. तो इसको थोड़ा कट करना पड़ता है. ये जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट की फिल्टर है, क्योंकि रिड्स का एग्जैक्टली मॉडल्स कभी कभी अवेलेबल नहीं होते हैं लोकल मार्केट में. मारुति जेन्युइन एक्सेसरी है, स्पेयर है ये, लेकिन इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा. पहले उन्होंने मेजर किया फिर हम कट कर रहे हैं इसको. देखिए कितने प्यार से कट किए, फिर एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देने के बाद अभी ट्राई करेंगे लगाने को. तो इसका अलाइनमेंट देखेंगे. हाँ, ये जो मेजरमेंट है ये सही बैठ रहा है कवर के साथ. अभी ट्राई करेंगे कि अंदर जा रहा है कि नहीं. इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं. कैमरा मूवमेंट के लिए माफ़ कीजिएगा, फिर भी नहीं जा रहा है, थोड़ा अटक रहा है. तो इसको एक काम करेंगे हम, जो बाकी का थोड़ा थोड़ा प्रोट्रूडिंग पार्ट है जो बाहर निकला हुआ है उसी को कट करके निकाल देंगे. आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो आराम से कीजिएगा, क्योंकि ये ब्लेड से आपका उंगली कट सकता है, खून निकल सकता है. तो अपनी उंगलियों का बलिदान मत दीजिए, आराम नाल कीजिए, आराम से कीजिए. और इसको कट करके कालू भाई निकाल रहे हैं. ये हो गया और ये गया फिल्टर. कहाँ? फिल्टर होल्डर के अंदर. देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम परफेक्ट फिट है. अभी हम लगाएंगे इसका कवर, और लगाने में भी थोड़ा झमेला करेगा. और जैसे कालू भाई ने बताया कि ये कवर बहुत सारी गाड़ियों में एक बार टूट जाती हैं तो फिर ये लगती नहीं यहाँ पे, और उसको निकाल के फेंक देते हैं. बहुत से रिड्स में ये कवर होता नहीं है क्योंकि वो एक बार टूट चुका था और वो ओपन मार्केट में मिलता नहीं है. केयरफुली लगाना है अगर आप खुद कर रहे हो तो. DIY करना अपना पेशा है, नशा है, काम भी है. तो ये लग चुका है. ऐसे टैब्स अलाइन करेंगे. नीचे वाला टैब लग गया और ऊपर वाला हल्का प्रेस करके ऐसे लगा दिया. ऐसे ही काम की वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग गिज़्मो ब्रेन.